और वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस में ना कोई विचारधारा बची है, ना ही कोई सिद्धांत। आजादी के आंदोलन में भाग लेने की बात कहने वाले कांग्रेस का नेतृत्व अब कन्हैया कुमार कर रहे हैं। भारत के टुकड़े होंगे कहने वाले कांग्रेस का हिस्सा बन रहे हैं। कांग्रेस में पहली चीज तो गांधी परिवार से हटके कोई चीज हो नहीं सकती। एक प्राइवेट कंपनी है जिसको सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चला रहे हैं, और एक ना कोई दल की विचारधारा है, ना दल के कोई सिद्धांत है, ना कोई नीतियां है। ये कांग्रेस जो बात कहती है कि आज़ादी में हमने भाग लिया, उसी कांग्रेस का नेतृत्व अब कन्हैया कुमार कर रहे हैं। जो ये नारे लगाते हैं, इंशाअल्लाह भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, इस तरह के जो नारे लगाते हैं, ऐसे लोग अब कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। तो कांग्रेस की विचारधारा क्या है, कांग्रेस का नेतृत्व क्या है, कांग्रेस के मुद्दे क्या हैं, ये कोई भी चीज नहीं है। और इसलिए कांग्रेस ऐसे लोगों को लेकर एक राष्ट्रीय विचार, जो राष्ट्र के खिलाफ जो विचारधारा वाले लोग हैं, उनको लेकर अब कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती। कांग्रेस का चरित्र भी हमेशा राष्ट्र विरोधी रहा है, और अब जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं उनको लेकर कांग्रेस का नेतृत्व कन्हैया कुमार कर रहे हैं। नहीं, वो तो उन्हीं को तय करना है, तो वो जिसको कह दें अध्यक्ष वो खुद अध्यक्ष तो है, और जिसको कह दें। बाकी उनके ही कांग्रेस के नेता ये मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष की जगह फुल टाइम अध्यक्ष होना चाहिए, पूर्णकालिक अध्यक्ष होना चाहिए। वो G23 वाले जो उनके नेता हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन और उसमें अध्यक्ष का चुनाव हो।